मोटरसाइकिल चलाते समय हम विशेषकर ड्राइविंग करते समय हेलमेट का उपयोग नहीं करते और यात्रा नियमों का पालन नहीं करने के कारण दुर्घटना होने की संभावना बढ़ती है। ऐसी एक घटना मेरे साथ में हुई जिससे मेरा परिवार और मेरे पूरे जीवन को ही बदल दिया। आइए मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ हुई घटना के बारे में। मैं शंभू और ये है मेरी कहानी। मेरा नाम बाबूलाल है और मेरा लड़का शंभूलाल है। तो क्या खेले या जा रहा था अपने सेवा मंदिर के अंदर, ड्यूटी थी, मैडम ने बुलाया, जो हाईवे पे मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद में एक्सीडेंट टेम्पो वाले टक्कर मार के चला गया और फिर बाद में कोई गांव वाले जो जान पहचान वाले थे मेरे लड़के के, जो उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस में मेरे लड़का को हॉस्पिटल लेके गए और मेरे लड़का के सिर के अंदर चोट लगी और नाक और कान खूनों से धन्नाट चल रहे थे। फिर जनरल हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ से इसका एक्सरा पड़ा कि फिर बाद में डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन करना है और मेरा लड़का बेहोश था। और उसके बाद में डॉक्टर की लापरवाही से जनरल हॉस्पिटल में बहुत टाइम लगा दिया था। फिर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए और अमेरिकन हॉस्पिटल प्राइवेट में लेके गए। उसके बाद में इसका 3-3.5 घंटे का ऑपरेशन हुआ और कम से कम 17-18 दिन से इसकी छुट्टी हुई। और मेरे पास पैसे नहीं थे, ऑनलाइन चालू करा दी थी हमारे सेवा मंदिर वालों ने एक दफ़े, और फिर बाद में 10 दिन बाद में हमारे को सेवा मंदिर वाले ने बुलाया कि भाई इसका शंभू का मामला बहुत लंबा चला जा रहा है पैसे के मामले में और पैसा जमा कराना। तो मेरी बच्ची की रकम मैंने गिरवे रख के और उनका मैंने पेमेंट किया हॉस्पिटल के अंदर, और मेरे लड़के के 18 दिन से छुट्टी हुई, कम से कम 1.5-2 लाख रुपये 18 दिन के अंदर पूरे हो गए। फिर बाद में 6 महीने बाद में मेरा लड़का अच्छा हुआ और 6 महीने तक इलाज चलाया, और मेरे लड़के के छुट्टी होने के बाद में मैंने 1-1.5 लाख रुपये और लगा दिए और मेरा मकान भी मैंने गिरवे रखा। और उसके बाद में 6 महीने बाद में मेरा लड़का अच्छा हुआ और अभी भी इसके दवाई गोलियाँ चल रही है। राजसमंद जिले में बिना टू व्हीलर वालों की घटनाएं लगभग जितनी घटना घटती है उसमें से 60% लगभग घटनाएं मोटरसाइकिल वालों से दुर्घटनाएं घटित घटित होती है। दो ढाई साल पहले कमनौर थाने पर तैनात था, तब दो मोटरसाइकिल वाले आपस में टकराए जिन्होंने दोनों ने हेलमेट नहीं पहने हुए थे और रात्रि का वक्त था। तो दोनों आमने सामने टकराने से दोनों के सिर में सिर में चोट लगी और जिसमें से एक को कम से कम 2 महीने के अंतराल में उसको अस्पताल से छुट्टी मिली। दूसरी साइड का जो चालक था वो बिल्कुल कोमा में चला गया और उसका सिर बिल्कुल डैमेज हो गया। अगर उन दोनों ने हेलमेट लगाया होता तो शायद वो दोनों के सिर डैमेज नहीं होते। दुर्घटनाएं रोज होती है जो अक्सर 90% हेलमेट की वजह से होती है। अगर हेलमेट लगाए चालक तो ये दुर्घटनाएं से बचा जा सकता है, जो विशेष तौर पर सिर की चोट से, और सिर की चोट ही मेन होती है शरीर के लिए जिससे आदमी अपंग हो जाता है, उसका माइंड डैमेज हो जाता है। और क्योंकि शरीर का मेन हेड ही सब कुछ है, उसके बिना पूरा शरीर बेकार है। ये है कि हेलमेट अवश्य लगाए इससे। मैं अक्टूबर 2015 से आज राजस्थान में दोनों सवारी के लिए, टू व्हीलर पे 2 सवारी होती है, दोनों के लिए अनिवार्य भी कर दिया है, जिसकी पालना ट्रैफिक पुलिस, राजस्थान पुलिस और दूसरे परिवहन विभाग सभी लगे हुए और करवा रहे हैं। और इसको यही है, अपील है जनता से, टू व्हीलर वालों से, कि वह इसका पूर्ण पालना करें। हम हमेशा गाड़ी चलाते समय उस पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन साथ में होने वाली मूलभूत सुविधाओं पर भूल जाते हैं। मैं आप सभी वीडियो देखने वाले लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग भी इन सारी दुर्घटना से बचना चाहते हैं तो आप भी हेलमेट का उपयोग करें तथा यात्रा नियमों का पालन करें, ताकि आपके परिवार को भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मैं शंभू राज सेवा देलोड़ा से इंडिया अनहट के लिए।